जिला मंडी की जनता को अपने इंतकाल के लिए ऑनलाइन समय मांगने की सुविधा प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति www.mandijansuvidha.in म्यूटेशन पर अपनी किसी भी इंतकाल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और संबंधित तहसीलदार या नायब तहसील द्वारा जिसे ही इंतकाल का समय निर्धारित किया जाता है वैसे ही SMS के माध्यम से पार्थी तथा अन्य समस्त पक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके अलावा निशानदेही के मामलों की निगरानी, लंबित मामलों व निशानदेही में लगने वाले समय और पूर्ण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन डिमार्केशन मॉडल जो कि जिला की जनता को समर्पित किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की सीमाओं की निशानदेही के लिए मॉड्यूल www.mandijansuvidha.in/demarcation पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदनकर्ता को भूमि से संबंधित राजस्व कागजात खुद तहसील और उपतहसील में प्रचलित प्रथा के अनुसार जमा करवाने होंगे और कागजात जमा करवाने की तिथि सॉफ्टवेयर में डालनी होगी और आवेदन स्वेता ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा। तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्राप्त आवेदन को संबंधित कानगो को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद कानगो समय निर्धारित करेगा और इसकी सूचना आवेदनकर्ता को SMS के माध्यम से दी जाएगी। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं। जिला मंडी में जन सुविधा के पंजीकरण मॉड्यूल का शुभारंभ जून 2020 में किया गया था, जिसके उपरांत इस मॉड्यूल के तहत जिला में अब तक 5,311 पंजीकरण के लिए जनता द्वारा प्रयोग में लाया गया है और ये सुविधा जिला के सभी 27 तहसीलों और उप तहसीलों में सफलतापूर्वक चल रही है। ये इसके बारे में हमने एक्चुअली इसके लिए राजस्व मंत्री महोदय से भी अनुरोध किया था ताकि उनके भी ध्यान में रहे और ये टूल है, अगर लोग उसको इफेक्टिवली यूज कर लें तो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स हो जाती है और टाइम से लोगों को सर्विस भी मिल जाएगी एंड इट कैन बी रेप्लिकेटेड एट द स्टेट लेवल इस तरीके से। बट एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न मंडी इज